बजट 2022 हाइलाइट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आने वाले वर्ष में भारत के 9.27% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि विकास के 4 स्तंभों समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ बजट 2022 भारत की अर्थव्यवस्था का खाका 75 से 100 की ओर ले जाता है। चलिए मुख्य बिंदुओं में हम बात करते हैं कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें कौन सी बड़ी बातें हैं जो आपके लिए भी जरूरी हैं। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। MSP संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। 5 नदी लिंक के लिए DPR के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है। 5 वर्षों में MSME को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा 1 TV चैनल लागू किया जाएगा। छोटे और मध्यम क्षेत्र द्वारा आतिथ्य सेवाएं अभी तक वापस नहीं आई हैं। शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाएगा डिजिटल विश्वविद्यालय, हब और स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय से आर्थिक सुधार लाभान्वित। 2022-23 में सड़क परिवहन मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए PM गति शक्ति योजना। 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। रेलवे छोटे किसानों और MSME के लिए नए उत्पाद विकास विकसित करेगा। अगले वित्तीय वर्ष में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल पार्कों के ठेके दे दिए जाएंगे। ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी अनुभव वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में निर्मित की जाएंगी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटीड कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल कवर 5,00,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निम्हांस नोडल केंद्र होंगे और IIT बेंगलोर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए PM विकास की पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए लागू किया जाएगा। यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है। 112 आकांक्षी जिलों में से 95% ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2022-23 में PM आवास योजना के तहत 44,000 करोड़ रुपए में 80,00,000 किफायती घरों का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर पूर्व के लिए PM विकास पहल नामक एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में परियोजनाएं जो 7 इंजनों से संबंधित हैं उन्हें PM गति शक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण भी शुरू किया जाएगा।
माल की कुशल आवाजाही को सक्षम करने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाए जाने वाले सभी मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज किया जाएगा।